हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जहां नेपोटिज्म और खेमेबाजी पर नई बहस चल पड़ी है, वहीं उनकी आत्महत्या की कारणों की जांच में जुटी पुलिस सुशांत से जुड़े करीबियों से पूछताछ भी कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके मनोचिकित्सक डॉक्टर केसरी से बात की। डॉक्टर केसरी ने पूछताछ में बताया कि सुशांत को अंकिता से अलग होने का बेहद अफसोस था। आपको बता दें कि सुशांत सिंह पिछले एक साल से डिप्रेशन में चल रहे थे। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी, साथ ही जहन में विचार भी अलग अलग चलते रहते थे। डॉक्टर ने बताया कि वो अभिनेत्री कृति सेनन और एक डायरेक्टर की पुत्री के साथ भी इन्वॉल्व थे, लेकिन दोनों के साथ उनके रिलेशन कामयाब नहीं रहे। उसके बाद वे अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ अक्सर होती लड़ाई के कारण भी खुश नहीं थे। डॉक्टर ने बताया कि अंकिता लोखंडे से रिलेशनशिप खत्म होने के बाद सुशांत नॉर्मल थे, लेकिन लगातार रिलेशनशिप में फेल होने के बाद वे डिप्रेशन में रहने लगे। आपको बता दें कि टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में अपनी सह अभिनेत्री अंकिता लोखंडे से सुशांत की नजदीकियां बढ़ी थी और 6 साल चले इस रिलेशन का 2016 में ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के कारणों पर जब अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, तब सुशांत ने ट्वीट किया था, न तो अंकिता अल्कोहलिक है और न ही वे विमेनाइजर हैं। वहीं बांद्रा पुलिस ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से करीब 9 घंटे पूछताछ की, जिसमें रिया ने बताया कि सुशांत के साथ वे रिलेशन में थी, साथ रहती थी, सुशांत के कहने पर ही उनका घर छोड़ा था। सितंबर 2019 में दिल बेचारा फिल्म पूरी करने के बाद सुशांत डिप्रेशन में चले गए थे। सूर्या सुशांत के साथ उनके डॉक्टर के पास भी गई थी, जहां डॉक्टर ने रेगुलर क्लिनिक पर आने को कहा था, साथ ही नियमित दवाइयों का कोर्स करने की भी हिदायत दी थी, पर सुशांत कभी कभी दवाइयां नहीं लेते थे। रिया के प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि सुशांत रिया से नवंबर में शादी करना चाहते थे, इस बाबत वे नया घर भी ढूंढ रहे थे। इस बारे में रिया ने पुलिस को बताया कि सुशांत के परिवार को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी और सुशांत के पिता से उन्होंने 2-3 बार बात भी की थी। रिया ने बताया कि जब सुशांत ज्यादा परेशान होते थे तो पुणे के पावना के अपने फार्म हाउस में चले जाते थे। रिया ने यह भी बताया कि सुशांत ने यशराज फिल्म से अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिए थे। आपको बता दें कि रिया से सुशांत की मुलाकात 2013 में शुद्ध देसी रोमांस फिल्म के शूटिंग के दौरान हुई थी। तब रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म कर रही थी। फिर इन मुलाकातों का दौर चलता रहा, ये पार्टियों में मिलते रहे, जो बाद में एक रिश्ते में बदल गया। पुलिस को सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी ने बताया कि सुशांत एक वर्चुअल गेमिंग कंपनी बनाने का इरादा रखते थे, साथ ही कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर नेशन इंडिया फॉर वर्ल्ड नाम से एक एनजीओ भी शुरू करना चाहते थे, पर उनके इन सपनों को समय के बेरहम चक्र ने यूं रौंद दिया। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।